सत्यम शिवम सुंदर वो कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? माता पार्वती को। देखो कोई एरे गेरे कोई व्यक्ति कोई बात करे ना, हम उसका कोई महत्व नहीं देते, लेकिन अगर मोदी कोई बात बोलता है बोले उसको सुधाम है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के हैं। इसलिए कोई जितना श्रेष्ठ व्यक्ति जो इतना बात बताएगा वो बात का उतना हम महत्व देते हैं। इसलिए शंकर जी माता पार्वती को कहते, बोले पार्वती कहते सत्य संगति दुर्लभ संसारा निमिषा दंड भर के कौबरा। बोले पार्वती इस जगत में जो सत्संग है वो बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में एक दंड कहते ना, एक घड़ी आधी घड़ी कहते आधी से पुण्य आध तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। अगर थोड़ी समय अगर जीवन में साधु संग सत्संग हो जाए, हमारे सारे अपराध को पार सारे दुख कष्टों को ये नष्ट कर देता है साधु संग। इसलिए शंकर जी कहते सत्य संगति दुर्लभ संसार, इस संसार में सब कुछ मिल जाती है लेकिन पार्वती जीवन में सत्संग नहीं मिलता है। बड़े किस्मत वालों को ये सत्संग जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए पुराण में एक श्लोक बताए, बोले चंद्र तापम कहते गंगा पापम धन्य सत्संग हरे पाप ताप तथा दन्यम हरेत सत्समान। कहते ये चंद्रमा क्या हरण करते हैं? बोले ताप, जैसे दिन में सूर्य किरण में झुलस जाते हैं लेकिन रात्रि में जो चंद्रमा उदय हो क्या होता है? सुशीतल देता है, हम हृदय को ठंडा देता है। कहते गंगा क्या करती है? बोले पाप भर लेती है। चल बोलते हैं चलो गंगा नहा के आए, पाप पाप नष्ट करके आए बोलते हैं ना। बोले गंगा क्या करती है? बोले हमारे पाप को हरण करती है। लेकिन स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष होता है वो क्या हरण करती हैं? कहते हमारे दुखा दरिद्र को ये हरण कर देती है। कहते जो ये सत्संग है, बोले तीनों को ये सत्संग हर लेते हैं, ये पाप को भी हर लेता है, ये ताप को भी हर लेता है और जीवन में दुख कष्ट को भी ये सत्संग, ये दुख कष्ट को भी सत्संग हर लेता है।
इसलिए कहते सत्संग से जीव को सारे कुछ सत्संग से ही प्राप्त हो जाते हैं। एक दिन नारद जी ठाकुर जी के पास में पहुंचे, बोले प्रभु जी ये सत्संग का क्या फल है? सत्संग की तो बड़ी महिमा है, ये क्या फल है आप थोड़ा मेरे को प्रैक्टिकल रूप में दिखाओगे सत्संग का क्या फल है? बोले देखना चाहते हो? बोले हाँ। बोले एक काम करो, जंगल में अमुक स्थान पर चले जाओ, वहाँ पर एक गिरगिट है, वो गिरगिट तुमको सत्संग की बात बता। बोले गिरगिट क्या? बोले अब तू जाओ ना। तो नारद जी गए, सचमुच से जंगल में देखा गिरगिट। बोले भैया ठाकुर जी तेरे पास में भेजिए सत्संग की महिमा बताने के लिए। अब इतना गिरगिट ऐसे सीर हिलाता है, गिरगिट सीर हिलाता है, दो तीन बार पूछते ही उसने तो वहीं पर प्राण छोड़ दिया। बोले ये क्या हो गया, ये प्राण छूट गया, वापस आया। बोले प्रभु जी आप बताया, वो सत्संग की महिमा बताएगा, दो तीन बार पूछते ही तो शरीर ही छोड़ दिया। बोले और ये काम कर, एक जंगल में अमुक स्थान पर जाओ, वहाँ पर तोता वो बताएगा। तो वहाँ पर गए, देखा सचमुच एक तोता है। बोले ठाकुर जी भेजा तुम्हारे पास में सत्संग की महिमा बताने के लिए, बताओ। वो तोता भी दो तीन बार बोलते सर हिलाया, पर वो भी अपना शरीर ही छोड़ दिया। बोले ठाकुर जी क्या कर रहे, दो दो व्यक्ति को मरवा डाले? उसके पास में जाता हूँ, वो सर हिला कर प्राण छोड़ देता है, वापस आए। बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो, दोनों व्यक्ति मेरे से प्राण त्याग कर दिया, मैं तो आपको सत्संग की महिमा बता रहा था। बोले बेटा एक काम करो, अमुक जगह में जाओ, वहाँ पर गैया ने एक बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़ा बताएगा। बोले बछड़ा क्या बोलेगा, दो प्राण तो मर चुके हैं। बोले जाओ ना। तो नारद जी गए, देखा सचमुच से गैया ने एक बछड़ा जन्म दिया। तो उन्होंने पूछा भैया ठाकुर जी तेरे पास में भेजे महिमा को जनाने के लिए, तुम बताओ। वो बोलते ना वो बछड़ा प्राण त्याग दे दिया। भगवान ये क्या हो रहा है, जिसको पास में जाता हूँ वही प्राण त्याग दे देता है। फिर वापस आए, बोले ठाकुर जी जिसको पास में जाता हूँ वही प्राण त्याग दे देता है, आप बताना सत्संग की महिमा। बोले ये लास्ट बार जाओ, इस बार बता दूंगा। बोले कहाँ? बोले अमुक देश में जाओ, वहाँ पर राजा का एक बेटा हुआ है, वो तुमको बता दे। अभी तो तीन प्राण मर चुके, अगर राजा का बेटा मर गया तो हो गया, राजा मेरे को जेल में बंद कर देगा। बोले चिंता मत करो, तुम जाओ। सचमुच से गया तो देखा राजा का एक बेटा जन्म हुआ। बेटा जन्म हुआ तो जब नारद जी वहाँ पर गए और बोले सत्संग की महिमा बताओ, वो बोलते ही तो दो तीन बार बोलते ही बच्चा रोना शुरू कर दिया। नारद समझ का काम हो गया, ये शायद शरीर छोड़ दिया, अभी तो राजा बंद कर देगा जेल में। नारद तो वहाँ से भगे, तो भगे इतने में, लेकिन बात क्या था, वो बच्चा जन्म से ही गूंगा था। अब देखना बच्चा जब जन्म लेता है ना रोता है, अगर वो नहीं रोता है ना बच्चे को थप्पड़ मार मार कर रुलाते हैं, क्योंकि वो रोएगा तो उसका हार काम करता है। हाँ वो नहीं रोएगा तो परिवार रोते हैं फिर उसके लिए, क्योंकि वो गूंगा होता है, फिर बच्चा नहीं रोएगा तो गूंगा होता है। वो जन्म से ही वो गूंगा था, लेकिन नारद जी को दर्शन करते ही, वो संत है ना, कहते पुंस अखनो सवितुर जता, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, कहते संत दर्शन से सारे अज्ञात सारे अंधकार दूर हो जाता है। वो नारद को दर्शन करने का साथ साथ उसका गूंगापन खत्म हो गया, मतलब रो रहा, लेकिन नारद जी ने सोचा ये भी शरीर छोड़ दिया, वो भाग रहे थे। किसी ने जाकर के राजा बोले महाराज महाराज आपका जो बच्चा गूंगा था ना मुंह खोल गया रो रहा है। बोले कैसे रो रहा है, अभी तो गूंगा था। बोले कोई एक संत आए थे, उनको दर्शन करते ही रोना शुरू कर दिया। बोले संत गए कहाँ, कहते वो संत गए कहाँ, संत वो संत को ढूंढो। तो नारद को ढूंढने के लिए गए, वो नारद तो भाग रहे थे। बोले बाबा रुको 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 बाबा, नारद तो सोचे हो गया, लगता है वो बच्चा ने शरीर छोड़ दिया, राजा मेरे को जेल में बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने नारद जी को बुला करके लाए, बुला करके लाए राजा, उनको बैठा करके उनको पूजा सेवा किया। बोले बाबा ये जो बच्चा है ना, ये जन्म से ही गूंगा था, हम बड़े दुखी थे, एक ही बेटा था लेकिन जन्म से ही गूंगा था, हम तो बड़े दुखी थे, लेकिन आपका दर्शन मात्र से ही इसका गूंगापन खत्म हो गया है। इतने में फिर वो बच्चा नारद जी को बोल रहा है। बोले बोले नारद जी समझ गए सत्संग की महिमा। बोले क्या? बोले पहले मैं गिरगिट था, लेकिन पहला बार जब आपको दर्शन किया, दर्शन मात्र से ही मेरे की जो गिरगिट शरीर छोट गया, उससे थोड़ा अच्छा जीवन मिला, तोता जन्म मिला। फिर जब आप तोते को दर्शन किया, आपको दर्शन किया तोता जन्म पाकर, नारद तो भगवान के बड़े भक्त है, प्रभु का जितना लीला सब नारद के द्वारा होता है,
इसलिए आपका दर्शन मात्र से मेरा जो तोता शरीर जो था वो शरीर भी छूट गया और उसको बाद में मेरे को बछड़े का जन्म मिला। क्या तो मानव जन्म पहले कहते जीव को गैया जन्म से फिर मानव शरीर होता है, ये प्राप्त होता है क्योंकि गैया का शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास गैया को शरीर में होता है, इसलिए मैं बछड़े जन्म लिया था। लेकिन जब आप आए, आपका दर्शन किया, दर्शन करते ही मेरा पाप भी वहाँ खत्म होकर अभी राजा घर में राजा का बेटा बन करके जन्म लिया। लेकिन राजा का बेटा तो लिया लेकिन जन्म से मैं गूंगा था। लेकिन जब आप आए ना, केवल आपको दर्शन मात्र से मेरे सारे गुंगापन खत्म हो गया और मुँह मेरा खुल गया। हाँ, इसलिए संत दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ शंकर जी पार्वती को यही बात कह रहे, बोले पार्वती सत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बार। पार्वती जीवन में जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है, अगर निमिष एक दंड अगर जीवन में सत्संग हो कहते सारे जीव का पाप नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य जीवन में पुण्य उदय होता है। अभी प्रश्न होता है पर साधु संग समय मिलता है क्या, ये साधु संग सत्संग की इतने महिमा क्यों बताए, कारण क्या है, हैं? अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी को याद रखता हूँ सत्संग की क्या महिमा है। एक समय कोई एक राजा की कोई बेटा था, जन्म लिया, बड़े कष्ट से बेटा हुआ है। लेकिन बेटा जब थोड़ी सी बड़ा हुआ, कुछ डाकू ने पैसा के लोग से उसको किडनैप करके ले गए। अभी तो राजा की दुख का सीमा नहीं, एक बेटा बड़ा कष्ट से हुआ, अरे छोटी सी बड़े होते ही किडनैप हो गया, राजा बड़ा दुखी। एक दिन उसके दरबार में कोई एक साधु आया, बोले महाराज आप कैसे हो, सब कुशल मंगल है ना। बोले बाबा क्या बताऊँ, घर में संतान थी नहीं, बड़ा कष्ट से घर में एक बेटा जन्म हुआ, लेकिन उसको बचपन से किसी ने उसको किडनैप करके ले गया, हमको दुख का सीमा नहीं, अभी भविष्य में राज गद्दी को कौन संभाले, हम तो बड़े चिंता में। लेकिन वो संत बड़े पहुंचा हुआ संत थे, हैं, उन्होंने देखा, बोले बाबा मैं देखता हूँ वो बच्चा कहाँ पर। तब वो संत ने ध्यान लगाया, उन्हें ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया, बोले आपका बेटा भी जिंदा, बोले जिंदा है अभी, बोले जिंदा भी है और सुरक्षित भी है, बोले बताओ कहाँ पर, अभी मैं बच्चे को ले आया था। बोले महाराज उसके बीच में गड़बड़ी भी हो गया। बोले क्या गड़बड़ी हो गया, बोले जब वो किडनैप हुआ था छोटा बच्चा था, उसको ध्यान नहीं था, अभी बेटा तो बड़ा हो गया लेकिन इस बचपन में उसको लेकर गए, अभी वो बच्चा है ना जो असली जो पिता माता उसको भूल चुका है, वो जो गुंडे डाकुओं को कह रहा है ये मेरे पिता माता एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, वो कहता है ये मेरे घर है, और एक दिन वो राजा बनने वाला था, आपका एक बेटा राजगति को तो वही संभालेगा, राजा वही बनेगा, वो संपूर्ण भूल चुका है ये चीज़ को, भूल करके छोटी सी झोपड़ी में रहता है, अपने आप गुंडे को अपना पिता माता समझता है, ये भूल चुका है, अगर लाओगे ना आपको मानेगा नहीं, अगर आप बोलोगे मैं उसको पास में जाऊंगा समझाऊंगा, असलियत में तेरी असली पिता माता है कौन, तुम्हारी घर कहाँ है और तू कहाँ रह रहे हो, अगर ये चीज़ को समझ जाएगा ना फिर बच्चे को ला फिर तो वो आपको मानेगा। अब चाहते हो, बोले बाबा तो बड़ी कृपा होगी, अब ये काम को अब करो। तब तो वो संत गए, वो बच्चे को अकेला देख कर उसको बोला भी इधर आ, बोले तेरे घर कहाँ है, और छोटी सी झोपड़ी था, बोले घर है, बोले तेरे पिता माता कौन है, जो डाकू लोग थे ना, बोले हमारे पिता माता है, बोले देख बेटा एक असली बात तेरे को समझा रहा हूँ, ये तेरे घर भी नहीं ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, बचपन में यही देख रहा हूँ, बोले इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ ये देश का जो राजा और रानी है ये तेरे पिता माता है, जब तू छोटा बच्चा था इन लोगों ने पैसा लोगों से किडनैप किया है, तेरे पिता को पता नहीं कि बेटा कहाँ है, बड़ा दुखी तेरे पिता तेरे लिए हैं, राज सिंहासन कौन संभालेगा। और एक बात समझो, कहते ना पिता माता को साथ में बच्चे का चेहरा मिलता है, मिलता कि नहीं, हम कहते ना कि बच्चे को शरीर में देखो माँ की इसका नाक आया है, पिताजी की आँख आया है, कभी कभी दोनों को मिला हुआ चेहरा आता है, बोलते हैं ना जो दादा की अंगुल आया है देखो उसके दादा की जैसे, बोलते चेहरा आप मिलता है पिता माता को सारे बच्चे का चेहरा सारे मिलता जुलता है। भले तू जिसको पिता माता कह रहे चेहरा को साथ में चेहरा मिला, और देश का जो राजा और रानी है उनको साथ में तुम अपना चेहरा को मिला, किसको साथ में चेहरा मिलता है तुम देखो, उसने तो अभी तक कोई सोचा नहीं इसी विषय पर, कभी इसको सोचा भी नहीं। बोले ये तो सही बता रहे,
इनको साथ में तो मेरे दिखने में गोरे लंबे चौड़े दिखने में काले दिखने भयंकर ही कुंडल लोग, लेकिन इसका चेहरा राजा का बच्चा है ना, तुम होनहार लंबा चौड़ा सुंदर देखने में उसने मिलाया तो राजा रानी को साथ उसका चेहरा मिल रहा है। बोला आप तो सही बता रहे, मेरा चेहरा तो इनके साथ में कुछ भी नहीं मिल रहा है, राजा रानी को साथ में मिल रहा है। बोले एक दिन देश का राजा तू बनने वाला है और छप्पन भोग 36 व्यंजन खाने वाले, अभी सूखा रोटी भी तेरे नसीब में नहीं जुट रहा है और छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हो, रहने वाले कहाँ की राजमहल में जहाँ पर हजार हजार दास जातियाँ जहाँ सेवा करते हैं, लेकिन अभी तुम जीवन कहाँ बिता रहे हो, गरीबी जैसे भी जीवन बिता रहे, जाओगे अपने घर में जाओगे? बोले आपका तो बड़ी कृपा होगी। बोले ठीक है मैं व्यवस्था कर देता हूँ। फिर वो साधु गया, राजा को सारी बात बता दिया, तेरे बेटे कहाँ पर है, कैसे गुंडे पर चंगुल में कैसे फंसा हुआ। बोले सैन्य सामंत लेकर के जा, चारी तरफ में घेराव कर और जितने गुंडों को मार मार करके उनको जेल में बंद करो और अपना बच्चे को वापस ले आओ। जब उसने अपना बच्चे को वापस लाया, लाई राज में मेरा घर, देश का राजा रानी मेरे पिता माता, दिन में छप्पन भोग 36 व्यंजन में खाने वाला और इतने नौकर चाकर हमारी सेवा कर रहे, और मैं कहाँ पर फंसा था मैंने। हाँ देखो हम क्यों कहते हैं ये सत्संग इतना महत्व कारण किया है, अगर ये चीज़ को समझो, ये हम सबका जीवन का कारण है। इसलिए हमारे भागवत वेद गीता ये क्या कहता है, हम कौन हैं? कहता है अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं। हम कहते हैं ना तुमेव माता च, बोलो उसको पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम। ये भगवान कृष्ण गीता में खुद कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, ये विश्व ब्रह्मांड का पिता बंधु भाई मैं हूँ, लेकिन जीव मेरे को भूलने का वजह से ये संसार में आए, और कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी 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 संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास है। इसलिए तरह तरह का हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, लेकिन हम हे पुत्र संतान किसके, अमृतस्य पुत्र भगवान की संतान, वो रहते हैं कहाँ पर, अपना धाम में। तो ब्रह्मा जी कहते उनको धाम कैसे वर्णन करते हैं, कहते चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या भृत सुर वीर अभिपालय। ब्रह्मा करे भगवान की धाम कैसे है, ब्रह्मा जो भूमि है ना, भूमि नहीं वो चिंतामणि, सारी चिंता को दूर करने वाले। कहते भगवान का वृक्ष कैसे, बोले कल्प वृक्ष, जो मांगोगे वृक्ष से सब कुछ मिल जाएगा है। कहते वहाँ के कोई व्यक्ति अगर चलता है कैसे लगता है, बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं, अगर कोई कुछ बोलता है ना लगता है जैसे बड़े सुंदर ठाकुर जी का भजन गा रहे हैं। जहाँ पर जन्म नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं बनते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का रूप देखो, सखा सखियों का रूप देखो, कोई बुढ़ा बुढ़ी नहीं, पूरा यंग है सब। 13-14 साल के राधा रानी कृष्ण भी और उनका जितने सखा सखियों को देखना सब, ये आत्मा के असली वास्तव स्वरूप है। हम भी उसका ही संतान है, भगवान के बच्चे हैं, इसलिए भगवान कोई बूढ़ा नहीं होता। आप कोई बूढ़ा बूढ़ी बनना चाहते हो? आप बताओ कोई बूढ़ा बूढ़ी, अगर एक बाल पक जाता है ना उसे उखाड़ कर फेंक, क्यों फेंक डालते हैं? हम बूढ़ा कोई बूढ़ी बनना नहीं चाहते। कारण क्या है? कारण है जो पिताजी का जो गुण है बच्चे में वही गुण है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप बताया। तीन चीज से भगवान ने शरीर बना हुआ, सत चित और आनंद। सत मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, उनके बच्चे है ना, इसलिए ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं, जिम में क्यों जाते हैं, भले जितनी उम्र क्यों नहीं हो जाए, शीशा में अपना रूप देखो कोई नहीं बोलेगा हम इतनी उम्र, बोलेगा अभी तो हम छोरा छोरी। कारण क्या? कारण ये है हम उनकी संतान, संतान होने का नाते उनके सारे गुण हमारे अंदर में विद्यमान है। सत चित, चित मतलब होता है भगवान ज्ञान स्वरूप। इसलिए हम सब कोई PhD, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बढ़िया एजुकेशन पाना चाहते हैं। अगर अगर मूर्खों को अगर तुम मूर्खों बोल दो ना, वो भी बिगड़ जाएगा, बोले मैं बेकूफ ना तू बेकूफ। बोले एक मूर्ख भी अपना को मूर्ख मानना नहीं चाहते, क्यों?
भगवान हमारी पिता है, वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। हम सारा जीवन आनंद तक ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? हम जो कुछ कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? आनंद, खुशी। खुशी क्यों चाह रहे? खुशी। दुख को कोई बुलाते हो घर में? कोई बुलाते हैं दुख? नहीं बुलाते। सबके सब क्या चाहते? घर में शांति, सुख घर में हो। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, फिर हम फिर दुख क्यों भोग कर रहे? फिर दुख क्यों भोग कर रहे? फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में हम क्यों पड़े हुए? हम तो उनकी संतान हैं, हैं उनकी संतान हैं। फिर हमें तो क्या करना पड़ेगा? असली पिता माता को हम भूल गए, भूल कर नकली पिता माता को पिता माता बना दिया। हर जीवन में हमारी एक नए नए पिता माता होता है, होते कि नहीं? फिर उसको छोड़ना पड़ता है, फिर नए पिता माता, फिर छोड़ना। तो इसे अनादिकाल से हम पकड़ रहे, छोड़ रहे, पकड़ रहे, छोड़ रहे। बोले कब तक इसे पकड़ेंगे, कब तक छोड़ेंगे? बोले जब तक कि तुम असली पिता माता के चरण में नहीं आ जाए। इसलिए कहते ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। असली जो पति, असली जो पिता माता है कहते श्री भगवान हैं, हैं? हमको भूलने का वजह से ही ना ये दुख कष्ट पाते हैं। लेकिन अगर उनको ही चरण में शरणागत हो जाए, उनके चरण में अगर हम फिर आनंद ही आनंद हैं। इसलिए कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारी एक सूत्र है, कहते हम सुख तो चाहते हैं सबके सब, लेकिन फिर दुख क्यों आता है? बोले जहाँ तुमको सुख चाहनी, जहाँ से सुख चाहनी चाहिए वहाँ नहीं चाहकर तुम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे। एक माता जी रोड में एक घंटा से किस चीज़ को ढूंढ रहे। किसी ने पूछा माता जी अब क्या ढूंढ रहे? बोले सुई कहीं खो गया है। बोले यहाँ पर क्या करे? बोले ढूंढ रहे हैं। बोले सुई कहाँ पर गिरा? बोले घर में गिरा था। बोले सुई तो घर में गिरा था, मेन रोड में क्यों ढूंढ? सुई तो तुम्हारे घर में गया, फिर मेन रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, यही चीज़ को समझनी चाहिए। हमारी जो गलती हुई है दुख का, भगवान के चरण में, भगवान को हमने भूला, इसलिए सारे दुख कष्ट है। लेकिन हम सुख कहाँ जा रहे हैं? सुख चाहनी चाहिए ठाकुर का चरण में, उनकी भक्ति में। लेकिन हम सोचते हैं संसार में साथ प्रेम करने से, संसार में प्यार करने से शायद संसार से सुख मिल जाएगा। वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसने दुनिया बनाया ना, वो खुद कह रहे हैं ये दुखा लयम असा सत्वम, ये दुख का घर है संसार। जहाँ दुख का घर तू, वहाँ दुख। उसमें जैसे टीवी होता है ना, कि जैसे ब्लैक व्हाइट टीवी हो, जितना भले स्विच दबाओ वहाँ पर कलरिंग आएगा? वो आएगा नहीं। क्यों? उसका ब्रांड लगा हुआ है वो ब्लैक व्हाइट। उसी तरह संसार दुख का संसार है, यहाँ पर सुख नहीं। सुख मिलेगा तो ठाकुर का चरण, ठाकुर जी की चरण में। लेकिन हमारा क्या भावना है, शायद ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाए। अगर ज़्यादा पैसा सुखी होंगे तो रावण सबसे ज़्यादा सुखी रहता, जिसका सोने के महल था। क्या था? सोने के महल था उसको, है सुने होंगे ना? हमारे पास कितना पैसा होगा बताओ? 10 किलो सोना, 20 किलो सोना, 100 किलो सोना, लेकिन उसका लंका ही सोना है, लंका ही सोना उसकी थी। कहते सोचते हैं कि अच्छी स्त्री से शादी करेंगे तो सुखी हो जाएगी। उसकी पत्नी का नाम था मंदोदरी, विश्वकर्मा की वो बेटी थी। हाँ, वो साक्षात इतनी सुंदर थी, उसकी बराबर मिस यूनिवर्स कहते ना उसमें, वो थी बेटा मेघनाथ जैसे बेटा इतने। लेकिन शंकर जी कहते सबकदा सुखी भवानी, शंकर जी से प्रार्थना करते, बोले प्रभु कब जीवन में हम सुखी बनेंगे? शंकर जी से प्रार्थना करते। इसलिए कहते कि जो संसार की जो वस्तु है ये शांति सुख दे नहीं सकता। क्या दे सकता है? ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के चरण में ही शांति सुख है। अगर हम वास्तव रूप में अगर भक्त शांति सुख चाहते हैं, क्या करनी चाहिए हमें? ठाकुर जी के चरण में आश्रय करके भगवान की, भगवान को प्रेम करनी चाहिए, भगवान को भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, देखो अभी प्रश्न होता है भगवान हमें मिलेंगे कैसे, प्रश्न है ना? उनके चरण में ही शांति सुख है, अशोक अभय अमृत उनके चरण में। लेकिन अभी प्रश्न को मिलेंगे कैसे? इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल होता है। बोले कलयुग में ज़्यादा परिश्रम करने का जरूरत है, बस थोड़ी सी परिश्रम से तुमको भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान क्या बोले, जो केवल ठाकुर का नाम का आश्रय, ठाकुर जी की नाम का आश्रय करो, भगवान का नाम से ही ये भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
अभी आपको ये बच्चे लोग अब थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे कैसे प्रभु का नाम से इसलिए कहते भगवान का नाम से ही केवल शांति सुख केवल भगवान की नाम से मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्रभु जी कीर्तन गा लेते थे। अगर आपके क्वेश्चन है ना कुछ तो हमारे से पूछ सकते हैं, भक्ति संबंधित जो भी है, नहीं कोई भी संबंधित कुछ जय राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्री राधे राधे राधे। मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिन चर्चा, मंगल में गुरु भक्ति बखानी, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु कीर्ति अमानी, मंगल में नख से सिखिलो गुरु मूर्ति वेद पुराण गानी। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। नमो नमो ब्रसभानुजा, नमो नमो सुखरास, नमो नमो असेन शरण, मम उर करो निवास। जिनके पग चापत नंद लला, बुत वेद प्रसिद्ध सभायन में, सुरते तिसिको कौन गिने, यह ब्रह्म रहो लिप्तायन में। कवि लाल गोपाल के जीवन मूल, शशिकांत के कोट प्रवाहन में, रहो रे करो बिनती, ब्रसभान किशोरी के पायन में, रहो रे मन तो सो करो बिनती, ब्रसभान किशोरी के पायन में। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे श्री राधे, मन चल Yeah.
पाप पुण्य को तोले मन विषयों में क्यों तोले और पाप पुण्य Yeah.
अवज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पार्षद पूज्य पाठ श्रीमद भक्ति वेदांत शील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदो में प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम। समस्त रूपानु गुरुवर्ग के चरणों में नमन प्रणाम। सब पार्षद प्रभुपाद सब पार्षद गौर हरि जय युक्त हो। उसके पश्चात समस्त वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथायोग्य नमन प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है हरिनाम की महिमा बताने के लिए कि हरिनाम क्या वस्तु है, हरिनाम करने से क्या प्राप्त होगा, कलयुग में क्या साधन है। अभी जिस युग में हम अभी हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ था, ये कलयुग है। ये जो सृष्टि है, ये जो युग है, उसको चार भागों में विभाग किया गया, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हर युग का अपना एक धर्म होता है, अपनी एक विधि होती है भगवत प्राप्ति की। इसे सतयुग के अंदर भगवान का तप ध्यान किया जाता था। जैसे आपने कथा सुनी होगी, हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल तक तप किया, फिर ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान लिया, तो तप। फिर आता है त्रेता, त्रेता के अंदर यज्ञ आदि हुआ करते थे, उसके बाद द्वापर, द्वापर के अंदर भगवान का अर्चन, अर्चन के द्वारा भगवान की सेवा पूजा की जाती थी, भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग का जीव जो है ना, वो बड़ा मंदमति का बताया गया, उसकी जो याद रखने की क्षमता बहुत कम है। देखो, हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है, हम थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। हम दुश्मनी भी बरकरार नहीं रख सकते, थोड़े दिन बाद हमारा गुस्सा भी डायलूट हो जाता है। बड़ा आश्चर्य है, अच्छी चीज भी भूल जाते हैं, बुरी चीज भी भूल जाते हैं। इसलिए कलयुग के जीव का एक लक्षण है। और कलयुग के अंदर आयु भी बड़ी छोटी आयु है, और उसमें भी कब मर जाएंगे कुछ नहीं पता। सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष आयु हुआ करती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर के अंदर 1,000, कलयुग में 100 साल है मैक्सिमम, और उसके अंदर भी कब मर जाएंगे कुछ नहीं पता। बाकी 3 युगों में पूरी आयु थी, बीच में आप मरेंगे नहीं, लेकिन कलयुग में हम कब मर जाएंगे हमें नहीं पता। 1 सांस गई, दोबारा आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता होती है। ये बात तो आप सब मानते हैं ना, ये बात ही जो समझ गया समझो तो मनुष्य जन्म सफल है। इसलिए हमारे शास्त्र ने बताया, निश्वासे नहीं विश्वासो तदा रुद्धो भविष्यति। इसलिए क्या बोला, ये निश्वास नहीं, जो सांस निकला ये आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब क्या करना चाहिए। इसलिए बोला, सदा चेत सदा स्मार्तुम हरेर नामे व केवलम। इसलिए हमेशा भगवान का क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करने से क्या होगा, तो बताया ये हमारा भारतीय विज्ञान है, इसमें ये एक युक्ति है जिस भगवान ने एक मार्ग बताया है, सदगति का एक मार्ग बताया है, कि जब हमारा ये शरीर छूटे उस समय हमें भगवान का अगर स्मरण आए तो हमें भगवत प्राप्ति आसानी से हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम, और ये कैसे होगा, जब तक हम सारा जीवन उसका अभ्यास नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। अगर हम सोचे कि हम सारा जीवन कुछ भी करें और अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जन्म जन्म उन्होंने जतन कराई, अंत काल राम आवत नहीं। जन्म जन्म भी लोग जतन करते तब भी अंत काल में भगवान का नाम याद नहीं आता है, कितनी भी चेष्टा कर लो। एक बूढ़ी थी, वो मर रही थी, तो घर वालों ने सुना कि भाई अंत में भगवान का नाम मुझसे निकल जाए तो बड़ा अच्छा होता। तो उन्होंने बोला, अरे अम्मा आप मरने वाली हो, सारा जीवन तो कुछ किया नहीं, एक बार भगवान का नाम ले लो। बोला, नहीं मैं नहीं ले सकती, मैं इतनी बीमार हूँ, मुँह नहीं खुल रहा, इतना बोल रही है। लेकिन क्या नहीं ले रही, भगवान का नाम नहीं ले रही। तो बच्चे तो सोचे कि ऐसे नहीं लेगी, कोई दूसरे तरीके से बुलवा लेते। तो उन्होंने बोला कि किसी ने बोला ऐसे बोलो कि अम्मा क्या नहीं लोगी, कैसा बोलेगी कि मैं राम का नाम नहीं लूंगी। तो बच्चों ने जाकर के वैसे ही बोला, बोला अम्मा तुम क्या नहीं लोगी।
तो बोला वही जो तुम बुलवाना चाहते हो वही। तो ये क्या है, ये पाप आगे है, ये नहीं लेने देगा। इसलिए जब तक हम सदगुरु का चरणाश्रय करके भगवान का नाम लेकर के और अच्छी भावना से जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। और हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये जो भगवान के नाम है, ये मंत्र है, इनमें कुछ प्रभाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक एक शब्द का प्रभाव होता है, एक एक शब्द का। ये साउंड इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग। आपने सुना है हमारे जो द्वादश संस्कार होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, बच्चा जब पैदा होता है गर्भदान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार के बीच 12 संस्कार होते हैं, कर्ण भेद संस्कार, नामकरण, संधारी छेदन संस्कार, है ना, हाँ 16 संस्कार। उसे बताया एक संस्कार होता है उसको नामकरण संस्कार होता है, उसके अंदर बच्चे का नाम रखा जाता है। ये दूसरे देशों में ये विधि नहीं है, वो उनका साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी बहुत पीछे है। भारतीय विज्ञान बड़ा आगे है। कैसे, देखो उस बच्चे का नाम रखेंगे तो उस बच्चे का नाम कैसा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, वो अक्षर देख करके नाम रख देते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है? हाँ, एक साइंस छुपा हुआ है। क्या है, देखो इस समस्त जो दुनिया है ना, बताते हैं कि ध्वनि से ही इसकी सृष्टि होती है, साउंड से ही सृष्टि होती है। और पूरे सौर मंडल में हर जगह एक साउंड चल रहा है, क्योंकि हमारे जो कान है इनकी जो सुनने की क्षमता है ना, कितनी होती है, 20 मेगाहर्ट्ज़ से किलोहर्ट्ज़ से कुछ होती है ना, डेसिबल, इसी के बीच में हम लोग सुन सकते हैं। ऊपर नीचे हम नहीं सुन सकते, उससे तेज भी होगा तो भी हम नहीं सुन सकते, उससे कम होगा तो भी नहीं सुन सकते। कैसे, उदाहरण जैसे ये रेस तो सब घूम रही है, रेडियो की आवाज से सब चल रही है, लेकिन हम सुन पा रहे क्या, नहीं सुन पा रहे। उसको कैच करके उसको ईयर के अकॉर्डिंग कर दे तो वही रेडियो को हम सुन पाते हैं, सुन पाते हैं। इसका मतलब साउंड तो चल रहा है, हम नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब साउंड कहीं ना कहीं है। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ, जिस समय वो बच्चा पैदा हुआ, उस समय सौर मंडल की या ब्रह्मांड की किस प्रकार की ध्वनि थी, वो ध्वनि उस बच्चे के लिए अनुकूल होती है, उसको देख करके अक्षर निकाला जाता है, म, आ, त, या जो भी अक्षर है, और उस अक्षर में उस बच्चे का नाम रखा जाता है। अब क्या होगा, जितनी बार भी उसको बुलाया जाएगा, जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम अनिरुद्ध है, मेरा नाम अनिरुद्ध है, तो जितनी बार बुलाया जाएगा अनिरुद्ध, तो जो ये शब्द जा रहा है ना, ये उसका उसके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसको टोटल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ये साउंड इंजीनियरिंग है, और आगे चल के आप साउंड आने वाली है। और अगर आपको देखना है कि हर एक साउंड का एक स्वरूप होता है, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ इससे एक स्वरूप है, किस इंटेंसिटी से मैं कैसे बोल रहा हूँ उसका एक स्वरूप बनता है। इसीलिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है ऑसिलोस्कोप, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक ऑसिलोस्कोप होता है, उसके अंदर क्या होता है, आप बोलिए, हर एक साउंड की एक रेज बनती है उसके, एम्पलीफाइड ऐसे करके, जैसे एसी करंट होता है उस प्रकार से उसमें रेज बनती है, वैसे ऐसे जैसे हमारी ईसीजी आती है ना उस प्रकार से। अब बताओ एक साधारण आवाज उसका इस प्रकार से स्वरूप बनता है, और वो भी तो अभी टू डायमेंशनल है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है, टू डायमेंशनल, उसको 10 डायमेंशन में लगाया जाए तो एक पूरा स्वरूप बनेगा। इसलिए जो हम ये भगवान का मंत्र बोलते हैं ना, ये हर एक मंत्र का अधिष्ठात्री देवता होता है, और वो मंत्र की जब सिद्धि होने पर सामने प्रकट भी होते हैं। धन्यवाद। और जिसका हम मंत्र बोलते हैं वही वस्तु हमें प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग का महामंत्र है, हर युग का अपना मंत्र होता है लेकिन ये कलयुग का महामंत्र है। इसीलिए जब हम इनकी इस मंत्र की उपासना करते हैं तो इससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, सब परिकर, उनका पूरा धाम, उस वस्तु की हमें प्राप्ति हो सकती है। ये तो पीछे की इंजीनियरिंग है, लेकिन इसको श्रद्धा के साथ में जब हम करेंगे, ये समझ करके कि नहीं इस नाम से ही हमारा उद्धार होगा, इस नाम के दम पर ही सारी दुनिया चल रही है। वास्तव में यही है, जो शिव जी जो प्रलय कर रहे हैं, शिव जी भगवान के नाम के उस पे दम पे ही प्रलय भी शिव जी कर पाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं नाम के प्रभाव से, ये जो भी हो रहा है दुनिया में सब नाम के प्रभाव पे हो रहा है। और एक छोटा सा उदाहरण सुनो, देखो नाम कैसा काम करता है, नाम काम करता है ना। देखो अगर हमारा कोई बड़ा मिनिस्टर हो या बड़ी पोस्ट पर कोई IAS ऑफिसर हो, हमारे पहचान का रहता है कि नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, कहीं जाकर के हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो हम क्या बोलते हैं, तुम जानते हो उनका नाम, सुना है, अब वो व्यक्ति वहां पर है नहीं है, क्या बोला हमने सर, उसका नाम लिया। नाम से काम होता है कि नहीं होता, इस साधारण जगत में, इस जड़ जगत में जब नाम चलता है, ये नाम हर जगह चलता है। इसलिए ये नाम अगर हम लेंगे ना, जैसे अजामिल का संवाद भागवत के अंदर आता है, ये भागवत के अंदर ये कथा नहीं है, ये सब
उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, अजामिल तो नाम ले रहा है अपने बेटे का, बेटा नारायण नारायण बुला रहे, लेकिन वहां पर नारायण बोलने से वो जो यमदूत आए थे वो उसको छू नहीं पाया, वहां पर विष्णु दूत आकर के उसकी रक्षा करते, क्योंकि नाम किसका लिया था, नारायण का लिया था, इसलिए उसने तो नारायण के बेटे को बुलाया तब जाकर के उसका कल्याण हो गया। लेकिन अब सचमुच में अगर भगवान का नाम लेंगे, हाँ, इसलिए नाम हमेशा लेते रहना चाहिए भगवान का, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर मन नहीं कर रहा है तब भी थोड़ा बहुत नाम जरूर लेना चाहिए, लेना ही चाहिए, वो असर करेगा ही करेगा। जैसे बताया ना जहर, जहर होता है ना, किसी को जान बूझ करके खिलाओ या अनजाने में कोई खा ले, असर तो करेगा ही, मारेगा ही वो। अमृत का भी ऐसा ही है, जान बूझ के पियो चाहे अनजाने में पियो, असर करेगा। इसलिए जैसे बताया, अगर हम खेत के अंदर गेहूं के बीज सीधे बो या उल्टे बो, कैसे भी बो, समय आने पर जब ऋतु आएगी तो पौधा कैसा आएगा, सीधा ही आएगा। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या कीज, भौम पड़े उपजे सभी उल्टा सीधा बीज, उगेगा ही उगेगा समय आने पर। इसलिए अगर हम भगवान का नाम लेंगे, और कलयुग के अंदर देखिए, कलयुग के अंदर आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, भक्ति मूवमेंट का एक समय है, 1400 से लेकर के 1600 के बीच में भक्ति मूवमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे संत है। ये यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, जितने कॉन्टेम्पोरेरी सेंट्स हैं सबकी क्या सेइंग है, सब क्या कह रहे हैं। सभी लोगों ने भगवान का कथा बोली नहीं, सबने क्या किया, गाया, क्या किया, गाया, और सबने नाम की महिमा बताई। देखो मैं सबके नाम बताता हूँ, सबसे पहले आप सुनिए, देखो यहाँ से चालू करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण मिलितन, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, हमेशा भगवान का कीर्तन गा रहे, नाच रहे, नृत्य कर रहे। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने क्या लिखा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है ते है सर्व जगत निस्तारा, नाम बिना कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एव शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का मर्म क्या है, नाम। अगर हमने नाम करना चालू कर देना, हमें वेद पुराण कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस हमारा काम समझो हो गया, अगर नाम में हमारी श्रद्धा होगी। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पार। ये कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास जी। मीरा क्या बोल रही है, पायो जी मैंने रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने। मीरा जी बोल रही, मीरा जी। सूरदास जी क्या बोल रहे, जन्म तेरा बातो ही बीत गयो रे, तूने कब हूं न कृष्ण भजो। सूरदास जी, नानक जी, नानक जी का नाम क्या, भय नाशन दुर्मति हरना, कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हुए सब काम। और वहां पे गुजरात के अंदर एक संत हुए जिनका नाम क्या है, तुकाराम नहीं, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने नाम की महिमा पूरा पूरा भीड़ को लेकर के, नागर नंद जी के लाल भजो राधे गोविंद भजो, और ज्ञानेश्वर इधर हुए जय जय राम कृष्ण हरि, बस संकीर्तन संकीर्तन संकीर्तन। ये सब अभी के संत है, सारे के सारे संत। देखो सब संत क्या कर रहे हैं, सब गा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कलयुग में हमें क्या करना है, भगवान का नाम करना। और वेद क्या कह रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। वेद पुराण भी यही बोल रहे हैं, कलयुग के अंदर नाम को छोड़कर के और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन बार क्यों बोला, साइंस भी बोलता है अगर कोई चीज तीन बार होती है ना, फिर उसको फिर इत्तेफाक नहीं माना जाएगा, कॉन्सिडेंस नहीं मान सकते। अगर तीन बार के बाद साइंस भी कॉन्सिडेंस नहीं मानता है, क्या मानता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रियलिटी है, इसीलिए तीन बार यूज किया हुआ। इसलिए हमारे जो वेद पुराने सब लोग मनोकल्पित नहीं है, आप लोग कभी प्रश्न करेंगे तो इसके पीछे, सबके पीछे हमारे जितने रीति रिवाज है, जितने संस्कार है, सबके पीछे एक साइंस छुपा हुआ है, एक विज्ञान है। इसलिए आप लोग सभी भगवान का नाम लीजिए, तिलक तुलसी कंठी, घर में तुलसी जी की सेवा पूजा होनी चाहिए। ये तुलसी की सेवा पूजा करने से बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, भक्ति तो मिलेगी मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ भी होगा और घर में लक्ष्मी भी आती है।
तुलसी का पौधा जो है ये अकेला कुछ मात्र दो तीन पौधे ऐसे हैं भारत में जिनकी पूजा होती है। देखा आपने तुलसी के पौधे की, पीपल, नीम आदि। हाँ, ये जो पौधे होते हैं ना, ये जो पौधे होते हैं तो मंगलवाची है, ये तो वैसे तो मंगल करेंगे जो हमारा अध्यात्म उसके अनुसार तो है ही। प्लस आप देखो कितने सारे मेडिसिनल यूज है। पीपल का पेड़ जड़ से लेकर पत्ता पूरा मेडिसिन में काम आता है, नीम पूरा काम में आता है, ये पूरा काम में आता है। देखा आपने, देखा कभी सुना है तुलसी की कितने सारी बीमारियों का इलाज तुलसी में। अगर कोई व्यक्ति रोज चार पत्ते तुलसी का कैसे भी खा ले तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर में आने वाली सेल्स को तुलसी पता कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो खा लेता। आश्चर्य नहीं लग रहा आप लोगों को सुन करके? सोचो ये भारतीय लोगों को पहले से ये बातें पता थी, रिसर्च तो आज हुई है ना, तो क्या तुलसी अभी खा रहे हैं लोग 100 साल से? नहीं नहीं, कितने हजारों सालों से लोग ये परंपरा भारत के अंदर। और हमारे जब ठाकुर जी को भोग लगाते उसमें क्या डालते हैं? तो खाने में आएगा ना, फेंकते तो नहीं है हम, क्या करते हैं? खाते। इसलिए पुराने जमाने में सब लोग भोग लगा करके खाते थे, कोई किसी को बीमारी नहीं होती थी, दांत तक भी टूटता नहीं था बूढ़ों का। अब देखो सबके दांत लाइन से चल जाते चल जाते। इसलिए आप लोग सभी हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करें, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, गीता भागवत पढ़े, भगवान का भजन करें, नाम करें। यही सभी शास्त्रों का आदेश है, यही गुरु वर्गों की, यही आप लोगों से विनती है। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। वांछा देखो, हम भी चाहते हैं ना हमारी बच्चे लोग भी ऐसे बने। ये है कंप्यूटर इंजीनियर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये घर में बैठे बैठे करके अब तो ऑफिस में नहीं जा सकते, घर में बैठे बैठे ये काम करते, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, लेकिन उसको साथ साथ में प्रभु का भजन करते। लेकिन युग अभी ऐसा आ गया ना, थोड़ी सी अगर थोड़ी थोड़ा एजुकेटेड थोड़ी सी बच्चा थोड़ा लिखा पढ़ा सीख जाए ना, पहले तो भक्ति को ही निकाल देता है। पहले भक्ति का जिसका कोई काम धाम नहीं वही व्यक्ति भक्ति भक्ति करते हैं, सब बेकार काम है। थोड़ी सी लिखा पढ़ा सीख जाए। लेकिन अभी विदेशी लोग, अगर वृंदावन में जाओ देखे ना, विदेशी लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके हमारी जो सनातन संस्कृति, गले में कंठी माला तिल सब भगवान भजन कर, हम चीज़ को जो छोड़ रहे हैं उस चीज़ को वो अपना रहे हैं। उनका जो वृंदावन जाना, उनका स्त्रियों को देखना कैसे साड़ी पहन करके, सर पर कपड़ा ढक करके, सिंदूर का बिंदु मांग भर करके, चूड़ी पहन करके, हाँ अब देखना तिलक लगा करके वो लड़कियों को देखना कैसे प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। वो सारे हमारे भारतीय संस्कृति को प्राप्त। लेकिन हमारे देश में अभी अंग्रेजियों ने जो खा कर छूटा फेंक दिया उस चीज़ को, हम बेकार मान करके हम इसको उठा उठा करके हम खा रहे हैं। और वो लोग हमारी संस्कृति को वो लोग अपना रहे। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसी में ही शांति, इसी में ही सुख। अगर हम जीवन में शांति से कुछ चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो जो चीज़ दे कर गए तो रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भक्ति कर के बच्चा भी पूरी हटना हुआ, ये बच्चे सब लिखे बड़े बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे से बोलो तुमने क्या किया, पढ़ाई किया? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है, हरियाणा के सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज से, यहाँ YMCA जो। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं परम पूज्य श्री पादश्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्री परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, समस्त वैष्णव वृंदों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उपस्थित समस्त यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरिंदन सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए हमें क्या चीज है जो याद रखनी चाहिए, जो याद, ये कुछ ऐसी चीज बताई है हमारे महापुरुषों ने कि केवल इनको याद रखो, बाकी सबको याद रखोगे तो कोई फायदा है नहीं, वो यूजलेस है। लेकिन ये दो चीज ऐसी है कि जिसको याद रखने से हमारा संसार भी सफल होता है और परमार्थ भी सफल होता है। ऐसी दो चीज क्या है? संत कहते हैं, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि व्यक्ति हम में से, आप में से, यदि हम लोग हमेशा ये याद रखना है कि एक दिन तो जाना जरूर है, एक दिन तो जाना जरूर है,
तो पक्की बात है किसी मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग जो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, ये बच्चियों के साथ गलत काम और अन्य कोई मतलब जो कि अपेक्षित नहीं है ऐसी घटनाएं हो रही है, ये सब घटनाएं नहीं होंगी। ये कैंडल मार्च जो लेकर के लोग करते चलते हैं, ये सब नहीं होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज अपनी मौत को स्मरण नहीं रखता। युधिष्ठिर से प्रश्न किया यक्ष ने, किमश्च सर्वाश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु एव ही, समस्त दृष्ट्वा मृत्यु एव ही तत्क्षण देवनः। सब लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन मरना है, पर फिर भी लोग दूसरे की मृत्यु देख करके यह समझ नहीं पाते कि मुझको भी यह मरना है। उनको विदित है ये, पर फिर भी वो उसी काम के आगे वही काम करे जा रहे हैं। इस कारण से मृत्यु अवश्य, मृत्यु को, जो व्यक्ति मृत्यु को स्मरण करता है, जो व्यक्ति ये जानता है कि मुझे एक दिन मरना ही मरना है, वह कभी पाप नहीं करेगा, ये पक्की बात है। मृत्यु हम लोग पूरे के पूरे, देखो किसी का जीवन कब उत्तम है, हमें कैसे पता चले कि यह जीवन, इसका जीवन उत्तम है? कब पता चले? जब उसकी मृत्यु उत्तम होती है। लोग कहते हैं ना, देखा होगा आपने, कोई कैंसर से महापीड़ा मतलब पीड़ित होकर के कितनी गंदी तरीके से मरा है, कोई छत से कूद करके मरा है, तो उसकी मृत्यु से ही लोग अंदाजा लगा लेते थे कि किस तरीके का व्यक्ति था। इस कारण से दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य भी मृत्यु है। दूसरे श्री भगवान को नहीं भूलना कभी भी। भगवान स्मरण में रहेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। अभी महाराज जी ने नाम की महिमा बताने के लिए कही है। देखिए एक बार क्या हुआ, एक नाई जो बार्बर है वो खड़ा था, उसके पास एक उसका दोस्त खड़ा था, दोनों बातें कर रहे थे एक दूसरे से। सामने एक लड़का आया जिसके बाल इतने बड़े बड़े थे, जिसने अपने केशों को कटवा नहीं रखा था, बड़े बड़े बाल थे। तो उस लड़के ने उस नाई से कहा, अरे तेरे होते हुए इसके इतने बड़े बड़े बाल हैं, फिर तू किस बात का नाई है? तेरे होते हुए उसके इतने बड़े बड़े केश हैं, किस बात का नाई है तू? तो नाई बोला, वो बार-बार बोला, कैसे पागलों वाली बात कर रहा है, ये मेरे पास अपने केश को कटवाने के लिए आया ही नहीं, तो मैं कैसे काटूंगा केश? अगर ये मेरे पास मेरी दुकान पे पहुंचता तो मैं इसके केश बनाता, तो मैं इसके बाल काटता और फिर इसको दूसरे स्वरूप में दिखाता। ऐसे ही हम लोग सब सोचते हैं, हमारी परेशानियां क्यों हल नहीं हो रही है, हमारी परेशानियां क्यों हल नहीं हो रही है, हम दुखी क्यों हैं, हम पीड़ा में क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं, पल भर की भी शांति क्यों नहीं है? इसी कारण से कि हम उस भगवान के पास नहीं जाते हैं, हम परमात्मा श्री भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। सबसे बड़ा कारण उनके नाम में रुचि नहीं है। आप कभी भी, आप जैसे जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप खुद ही इस बात को रियलाइज कीजिए कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी भयंकर उपस्थिति जो होती है, किसी मुसीबत की सबसे ज्यादा भयंकर मतलब वो सीन हमारे सामने आता है, तो हम किसको याद करते हैं? हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। तब कोई याद नहीं, तब आप लोगों में से किसी को याद आता है कि हे पतिदेव मेरी रक्षा करो, हे मामा जी मेरी रक्षा करो, मामी जी मेरी रक्षा करो, बुआ जी मेरी रक्षा करो, ऐसे ऐसे कभी आता है? नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि हमारी प्रेजेंस के, हमारी उपस्थिति के साक्षी श्री कृष्ण हैं। इस कारण से हम श्री भगवान को ही याद करते हैं। आप में से कोई नास्तिक भी होगा ना, महाराज ऐसे ऐसे नास्तिकों को मैंने देखा है कि आप उनके सामने भी, उनके मुंह से सहसा निकल जाता है, अब तो भैया भगवान ही बचा रहे। इसका मतलब क्या है? आप कितने ही भूलने का प्रयास करो, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि हमारे साक्ष, कि हम, हमारे जो, हमारे यदि कोई है तो वो श्री कृष्ण है, वो श्री भगवान है। इसीलिए अभी मेरे गुरुदेव ने कहा ना, अमृतस्य वही पुत्राः, वही अमृतस्य पुत्रेव ही, हम लोग श्री भगवान के बच्चे हैं। ये पहला प्रूफ है इसका। दूसरी बात, अच्छा एक और बात बताइए, हम लोग श्री भगवान तक, श्री भगवान से हमारा प्रेम कैसे होगा? श्री भगवान हमारे सदैव साथ रहें, हम श्री भगवान के मंगलमय दर्शनों को कर सकें और भगवान में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो,
और हमें कोई कोई भी हमें पीड़ा, कोई बाहर बाहरी पीड़ा हम लोग को ना सतावे, इसका क्या एकमात्र उपाय है बताइए? यज्ञ। यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा उपाय है। कौन सा यज्ञ? ये कुंड वाला यज्ञ नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, भगवान क्या है? यज्ञ नाम जपयज्ञोऽस्मि, देवा नाम वेदा नाम सामवेदोऽहम्, कीर्ति श्रीवच्च नारी नाम स्मृत मेधार्दिक्षमः। भगवान कहते हैं कि सब समस्त यज्ञों में से मैं जपयज्ञ हूं। जपयज्ञ मतलब भगवान के नाम का जप। सबसे बड़ा यज्ञ यही है, लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन है। आप लोग यूं सोचेंगे कि कई आप लोगों में से कईयों ने माला भी उठाई होगी, माला करते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, फिर थोड़ी देर में दूसरी माला करी, फिर फिर कई कई बार हमारे मन में आता है अरे कुछ होता तो है नहीं माला वाला से, कोई नाम से तो कुछ होता है नहीं, धरती माला। लेकिन कंडीशन है भैया इसकी, क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इस पूरे विश्व का कल्याण किया है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, उन्होंने कंडीशन दी है जब की, क्या है? पांचवी भक्ति बताई है, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति क्या बताई है? मंत्र जाप, भगवान के मंत्रों का जाप करो। कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ, पूरा का पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे बिलीफ के साथ कि हाँ मंत्र नहीं है, ये माला नहीं है, साक्षात गुरुदेव ने हमारे हाथ में श्री भगवान को ही पकड़ा दिया है, ये मंत्र के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही हमारे पास है, इस विश्वास के साथ करो, फिर देखो क्या नहीं होता है, फिर देखो कौन सा काम नहीं बनता है। महाराज सच्ची बात है, ट्यूबर तक ठीक हुए हम लोगों ने नाम के प्रभाव से। देखे हैं ट्यूमर जो होते हैं ना, ट्यूमर जो होते हैं लोगों के, उसको ठीक होते हुए हमने नाम के प्रभाव से अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसी क्या चीज है जो भगवान ठीक नहीं करते? हमारे हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, उनका एक शिष्य था, ये सही बात, उनका कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो डॉक्टर बोले 6 महीना तक जिंदा रहो, तो वो नौकरी करते थे, जब देखा डॉक्टर बोला 6 महीना तक तुम्हारे समय नहीं, बोले और नौकरी करके आओ, और नौकरी से रिजाइन दे दिया। बोले उन्होंने फिर भगवान के नाम जप करना, दिन में लाख लाख 1 लाख हरिनाम रोज करते थे भगवान का नाम। अब सोच नहीं सकते वो 16 साल तक फिर जिंदा, 16 साल तक, 76 साल में फिर उन्होंने शरीर उन्होंने छोड़ा है, 76 साल तक रहे। इसलिए भगवान का जो नाम इतनी शक्ति है, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम सारे अमंगल को भगवान का नाम दूर कर देता है। इसलिए विश्वास पूर्वक किया अगर भगवान के नाम ही जप कर, अंतिम समय में देखना भले जीवन भर जो कुछ किया किया, अंतिम समय जब आता है 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते, क्या बोलते बोलते ले जाते, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो व्यक्त है सबको बात छोटा कर। बेटा जितने तुमने राम का नाम लिया तब तो तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ तुमने किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रहा। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजे तक चली, उसको पत्नी आगे नहीं चलेगी, परिवार जाएंगे तो शमशान तक चलेगी, उसको आगे कोई नहीं जाएगा। इसलिए मीरा कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में मिला तुमको किया, बोले राम रतन धन पायो, राम रूप रतन जितने प्रभु का नाम जप किया वही मिला, बोले मिला ये धन तुमको मिला कहाँ से, बोले दी मोरे सदगुरु कृपा करे अपना, सदगुरु से ये धन मिलता है। कहती है धन कैसे है, तब उन्होंने बताया बोले चोर नहीं ले, ये ऐसे का धन है जिसको चोर नहीं ले सकते, लूटे लूट नहीं सकता, कुटे नहीं जा, और दीन दीन बढ़त सवाय, जो धन केवल बढ़ती रहती है, जो धन कभी घटती नहीं, और अंतिम समय में यही धन ही हमारे काम में आने वाला है। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसी धन को लूटने के लिए, इसलिए मीरा कहती जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो खंगाल हो, हैं ये धन बोले लूटे कौन, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। तुलसीदास कब आए, हनुमान जी कब आए,
मीरा भाई, कवा भाई, अभी इनका नाम जगत में अमर हो गया है। कारण क्या है? उन्होंने ये धन को लूटे, लेकिन हमारे पिताजी के माताजी के नाम कोई जगत में लेते हैं क्या? कोई नहीं लेते जगत में, उनका नाम कोई नहीं लेते। क्यों? खाए भी मर गए, इसलिए कोई नहीं लेते। लेकिन इन लोगों ने असली धन को लूटा है, इसलिए इनका नाम जगत में अमर हो गया। इनका नाम जगत में अमर हो गया। अगर अमरत्व तो पाना चाहते हैं जगत में, क्या करो? प्रभु का नाम रूपी धन को लूटो, और यही अंतिम समय तुम्हारी काम में आएगी, और इस जगत का धन कोई भी काम नहीं आने वाले। ठीक है ना? और एक उदाहरण, वृंदावन गए हो? कौन बन गए? यहाँ से कितना दूर की रास्ता है? ढाई तीन घंटा की रास्ता। मानो आप दो तीन दिन वृंदावन जा रहे हो रुकने के लिए, आपसे प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उसका उत्तर दे सकता है। जैसे वृंदावन सोचे तीन दो तीन दिन रुक करके हम आएंगे, जब आप यहाँ से यात्रा कर रहे हो, हमारे पास में ऐसे कौन सा एक चीज रहनी चाहिए, हम जब यात्रा करेंगे बड़े खुश होकर यात्रा करेंगे, कुछ भी नहीं हो, लेकिन ऐसे ऐसे कौन सा चीज तुम्हारे साथ में होनी चाहिए यात्रा करते समय खुश होकर यात्रा करते, बताओ। अच्छी बात आप जो बताए, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात बताए नहीं, नहीं ऐसे बोले पैसा, सुना पैसा, जैसे यहाँ से यात्रा कर रहे हो, बगैर पैसा से वहाँ रह सकते हो? वृंदावन में जाके जा सकते हो? वहाँ से वहाँ पर तभी ऐसे कोई रुकने नहीं देगा, खाने के लिए तो पैसा चाहिए, सेवा पानी देना पड़ेगा, और गाड़ी में जाने के लिए पैसा चाहिए, तभी भी कुछ तो दो करके आओगे। लेकिन भाव होना चाहिए ना, अगर भाव नहीं है तो वो पैसा में अच्छा हमारा रहेगा, तो आप उसको अपने मठ में नहीं रखोगे? नहीं नहीं, वो चीज में नहीं, अने हमका एक चीज समझाना हम चाह रहा, इसलिए अच्छा वृंदावन का आधार होता कि आगरा का लगा लो, आगरा का नहीं, हम तो वृंदावन ही जाएंगे, गाड़ी फ्री का आएगी, उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा ये चीज को। जैसे आप वृंदावन जाते तीन दिन के लिए यात्रा कर, अगर आप बेफिक्रम जाते हो, क्यों? भले ही कपड़ा लता कुछ नहीं खाने के लिए, लेकिन पॉकेट गर्म है, पैसा है, हम खुश होकर जाएंगे, क्यों? पैसा आप बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, हैं, अच्छे तरह से रह जाएंगे। लेकिन यहाँ से यात्रा कर रहे हो, लेकिन पॉकेट तुम्हारी खाली, एक भी पैसा नहीं, फिर हम सुखी होकर यात्रा करेंगे ना दुखी होकर यात्रा करेंगे? कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हमारे पास में कितने पैसा है, तो केवल दो तीन दिन यात्रा के लिए हम इतना सोच रहे हैं, एक दिन हमारी यही से यात्रा करना पड़ेगा जो अंतिम यात्रा, और सबको करना पड़ेगा, और कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकता, वो यात्रा कब करना पड़ जाए कोई नहीं बता सकते, कब वो यात्रा में करना पड़ जाएगी, लेकिन सबको करना पड़ेगा, ये अंतिम यात्रा हुई। क्या इसी के लिए हम कभी सोचते हैं हमारे पास में क्या था? यहाँ पर रहने के लिए बढ़िया मकान बनाया, एसी लगाया, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर घर बनाया, लेकिन मरने का बाद, शरीर छूटने का बाद, वहाँ का एटमोसफायर क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कभी हम सोचते ही इस विषय में? इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वो चीज़ सोचते हैं, है? इसलिए कबीर ये बात वो कहते हैं, कबीर कहते हैं जगत में मरने में सब डरे, लेकिन मेरा मन आनंद है। सब मरने के लिए सब डरते हैं, है? अभी कोरोना आ गई, सबको डरा दिया कोरोना, इसलिए डर मरने के लिए सब डरते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं मेरा मन आनंद है। किसी ने पूछा कबीर जी सारा दुनिया मरने के लिए डर रहे तो आनंद है क्यों? तो कबीर क्या कहते हैं जानते हो? बोले जिंदगी भर मैंने राम नाम माला जप, कहते हैं जिंदगी भर प्रभु का नाम मेरे लिए भियाई भी व्यवस्था हुई, क्योंकि जिंदगी भर ये नाम को मैंने जप किया, ये धन मेरे पास में पूरा कि पूरा, ये धन मेरे पास में, इसको चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त सवाए। लेकिन हम क्यों डरते हैं मरने के लिए? बोले जिंदगी में ये धन तो मैंने नहीं कमाया है, नकली धन को कमाया, जो धन यहीं रह जाएगी,
ये आगे ये धन तुम्हारे कोई काम में आने वाले नहीं, इसलिए हम डरते हैं मरने के लिए। क्यों मरने के लिए डरते हैं? कहाँ नहीं, मरने के बाद उसको जमदूत ले जाते हैं गले में फांस लगा करके, जैसे 13 दिन बाद में शुद्ध क्रिया होती है ना हमारी। क्यों हम लोग घर में गौरव पुराण पढ़ा पढ़ते हैं, मरने के बाद कहते उसको एक नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम बैतरणी नदी, जो केवल टाटी पेशाब खून पी का कोड़े मार मार करके पार करा, इसलिए 13 दिन उसको लग जाती है नदी पार करने के लिए। इसलिए हमारे भारत में 13 दिन बाद में संस्कार, 13 दिन बाद में किसको बोले जो हरिनाम नहीं किया, जिस गले में कंठी तिलक नहीं, उनको मार मार के ले जाते। लेकिन जो प्रभु का भजन किया नाम किया उसके लिए वैकुंठ से रथ आता है सुलेने के लिए, उसको तो सीधा भगवान के पास में हो जाता है, उसको जमदूत नहीं छूते हैं। ये जम स्वयं बताए, जमदूत वो कह रहे हैं देखो जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनको मत लाया करो। तो उनने पूछा कुछ सिम्टम बता दो, पता चल जाए। उन्होंने बोले 3 लक्षण दिखेगा, जैसे एक सुहागिनी नारी मांग भरती है, तिलक लगा अपना बिंदु लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, नाक में बेसर पहनती, तो कुछ चिन्ह है जिस देखने से पता चलता है सतवा कर। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका भी कुछ लक्षण, देखो ये श्लोक है बोले ललाटे तिलकम, ललाट में तिलक लगा, कंठे त्रिकंठी का गले में तुलसी कंठ धारण करें, और भगवान के नाम जप करें। ये 3 लक्षण ये स्वयं जम कह रहे हैं। अगर इसको देखोगे ना प्रणाम कर लेना, समझ जाना ये ठाकुर का आदमी है। उनको अच्छा बुरा विचार मैं नहीं कर सकता हूँ, बांके विहार करेगा। अगर कोई बुरा करके तो बांके मैं विचार नहीं कर सकता, जम स्वयं कह रहे। अगर ये सब चीज शरीर में हो ना कोई तुमको जमदूत नहीं ले सकते, बेहतरीन नदी में पार करना नहीं पड़ेगा, बेहतरीन नदी सीधा ठाकुर जी के पास में जाना। इसलिए ये सब चीज़ को गले में तुलसी कंठी तिलक, इसमें हमारे भारतीय संस्कृति है। धीरे धीरे देखना जितने बड़े बूढ़े होते थे सब यही तिलक लगाते थे, गले में कंठी छोटी, प्रभु का नाम सवेरे उठ करके गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। लेकिन ये TV स्मार्टफोन आकर सब सत्यानाश कर दिया हमारे देश का, हाँ सारी संस्कृति को उसने सत्यानाश कर दिया, सबका जीवन को बच्चों के जीवन को बिगाड़ दिया है ये सब चीज़ें आ गई। इसलिए आप लोग सब भगवान का नाम करो, भक्ति करो, और बच्चों के अंदर में ये संस्कार डालो, बच्चों के अंदर में ये अच्छी संस्कार डालो। जैसे बच्चों के अंदर में ये सब संस्कार रहेगा तो क्या होगा, भगवान की भक्ति करेगा, पिता माता को आदर करेगा। एक समय किसी ने हमारे बड़े गुरु जी को बोला, बोले गुरु जी बच्चा बात नहीं सुनता, देखो हमारे गुरु जी कितनी अच्छी बात है। बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को भी रामायण पढ़ाएगा? बोले नहीं। बोले खुद जब रामायण नहीं पढ़ोगे, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, बच्चे सीखेंगे कहाँ से? उसने खुद अब क्योंकि इस उम्र में हुए हैं तो अब तक तो अब क्या बच्चों को इसलिए रामायण में लिखा हुआ है, कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमा, ठाकुर ही सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छू जाए। रामायण देखे होंगे ना, जब दशरथ महाराज शयन करते राम आकर के स्वयं पिताजी के चरणों की सेवा करते। रामायण पढ़ोगे तभी तो बच्चे संस्कारी बनेंगे ना, हम तो बच्चों को रामायण खुद तो पढ़ते नहीं, बच्चों को भी पढ़ाते नहीं, स्मार्टफोन पकड़ा देते ले स्मार्टफोन, पढ़े भी नहीं रामायण सीरियल देखे तो भी संस्कार। हाँ इसलिए बदलाव आया ना कोरोना में, देखो सब लोग ने सब देखा उसी, बच्चों ने भी बहुत इंटरेस्टेड हो गए मृत्यु अपना तो उस चीज का डर है। इसे इसलिए कहते अगर हम चाहते हैं हम बच्चे हमारी संस्कारी बने, हमें आदर करे, हमें पिता माता के चरण छुए, पिता माता की सेवा करे, बात सुने, रामायण में बड़ी शिक्षा। भगवान देखो स्वयं रामचंद्र पिताजी की सेवा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल के लिए ठाकुर के वनवास, अपना बच्चे को बोला 14 दिन के लिए मेरा आदेश को पालन करो, और 14 दिन के लिए तो अपना मनमर्जी घूमने जा सकता है, लेकिन पिता माता की आदेश को पालन नहीं करता। ये रामायण सब रामायण सब चीज़ सिखा देती है, रामायण सब चीज़। इसलिए पहले घर घर में सब रामायण पढ़ते थे सबके साथ, पढ़ करके बच्चे संस्कारी बनते थे, क्योंकि जो पढ़ेगा तो सीखेगा ना, खुद ही उसमें हाँ है नहीं, पिता माता खुद नहीं करते, पहला गुरु तो पिता माता है, पहला गुरु तो पिता माता है ना, मम्मी पापा ने पढ़ी हमने भी नहीं पढ़ी रामायण तो, इसलिए यही तो चक्कर है ना। इसलिए धीरे धीरे हम अपना संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए सारे दुख कष्ट घर में लड़ाई झगड़ा पहले जैसे भाई भाई प्रेम में बहु प्रेम में हाँ रहते थे आनंद में सब नष्ट कारण किया है। कारण यही है हम लोग अपना शास्त्र को अनादर कर रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा को छूटन को उसको ही उठा उठा कर अपना जीवन में पालन कर रहे हैं, इसलिए जगत में इतना दुख कष्ट अशांति घर लगे। ठीक है इसलिए हरि नाम करो और गंदी चीज से थोड़ा दूर रहो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज से दूर रहो, गंदी चीज से दूर रहो, जो खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से भोग लगाओ,
कहते भगवान का प्रसाद खाने से कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे ठाकुर जी को पूरे टाइम मतलब दोपहर को भी शाम को हाँ जो खाओगे वही ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। देखो भगवान का प्रसाद खाने से प्रसाद मांग कर लेते हैं ना, प्रसाद मतलब ना आशीर्वाद, प्रसाद मतलब आशीर्वाद है। भगवान की भोग लगा कर खाओगे जैसे अन्न खाओगे वैसे मन बनेगा तुम्हारी। भगवान का प्रसाद सुदामा जी अब देखे होंगे कृष्ण लीला ना, सुदामा दरिद्र क्यों बना? जो गुरु माता ने वो चाना दिया था ना कृष्ण को बिना दिए खा गई, इसलिए दुखी बने। लेकिन दरिद्र धनी कब बने? जब भगवान के लिए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए ठाकुर जी, दो मुट्ठी खाए, तीसरे मुट्ठी खा रहे तो रुक्मिणी हाथ पकड़ गई, नहीं दो मुट्ठी खा लिया सब ऐश्वर्य पहुँच गया, तीसरे मुट्ठी खाओगे तो मेरे को उसको घर में दासी बनना पड़ेगा। सुदामा घर का इतना सुनेगा महल बने हैं, इसलिए भगवान के देख रेख खाओगे ना लक्ष्मी के भी घर में भगवान लक्ष्मी घर में आते, इसलिए भगवान भोग लगा खाओ और गंदी चीज को गंदी चीज से दूर रहो, जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज से वैसे दूर रहो। इसको तामस की भोजन है, इसको खाओगे तो मन में तामस की भावना बनी, इसलिए इसे दूर से रहकर हरि नाम करो भजन करो और जीवन में शांति और सुख। ठीक है आप जैसे ये माला करते हैं तो माला करते हुए फिर वहाँ से फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं, जैसे मान लो बातचीत के अभी हम भगवान की बात कर रहे हैं ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु का नाम करते करते दुनियादारी की कोई बात नहीं करते। अच्छा, ऐसे बीच में ये नहीं कि हम हाँ दुनियादारी की माला करें, अभी ठाकुर का हम कथा करें फोन पे बात कर लें फिर वहीं से शुरू कर दें, ये नहीं। इसलिए अभी हम ठाकुर के संबंध की बात कर रहे हैं, भगवान के नाम भगवान की कथा बोल रहे हैं, नहीं तो माला करते हुए दुनियादारी की कोई बात नहीं करेंगे। दुनियादारी अच्छा गुरु जी, एक मंत्र मेरे को पूछना था कि जैसे अब इसमें जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है वो महामंत्र है या हरे कृष्ण 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 हरे? देखो ये जो ओम नमो भगवत वासुदेवाय भगवान का नाम, लेकिन ये जो मंत्र है ये सत्य युग में नारद जी ने दिया था, ध्रुव युग दिया था सत्य युग में, इसलिए चार युग में चार नाम बताया पुराण में। इसलिए जो कलयुग का जो महामंत्र बताया ये हरे कृष्ण कृष्ण कलयुग का युग, और तृतीय युग का अलग मंत्र था राम नारायण अनंतम मुकुंद मधुसूदन, द्वापर युग में हरि मुरारी मधुकैटभ हरि गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, ये अलग नाम था। सत्य युग का था नारायण परावृता नारायण परामुख का नारायण परावृति नारायण परामुख, ये चार युग का अलग अलग मंत्र। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत बताई है, तो अगर हम पाठ करते हैं तो उसमें हम रोज का जो पाठ करते हैं उसको हम रोज संकल्प लेके करना चाहिए ऐसे ही करना चाहिए? इसको संकल्प को लेकर कर सकते हो, वैसे भगवान का नाम में कोई विधि विधान नहीं है, उसका केवल विष्णु जी के नाम पढ़ने चाहिए या उसमें तो पूरा है कि भाई पहले शुरू में है फिर वो है सारे नाम फिर फलश्रुति है, तो पूरा बड़ा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र ने बताया कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इसकी बहुत हरे मतलब राधा जी का नाम, कृष्ण का मन को हरण करती, कृष्ण मतलब मन को जो आकर्षण करता है जो आनंद देता है, राम मतलब जीवन में जो राम जो आराम प्रदान करता है, इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र इसका विशेष विशेष महत्व है, इसलिए विशेष विशेष महत्व। ठीक है सब माला जब करना, माला है कि नहीं सब उसके पास? माला नहीं तो है माला ना हाँ सबके सब ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसे बच्चों को भी बोलना खाने से पहले बच्चा एक माला दो हाँ बच्चों को भी संस्कार दो धीरे धीरे हैं, पर 5-10 मिनट लगेगा एक माला जब करने में 5-10 मिनट लगेगा, इसलिए बोलो बेटा एक माला जब करके अपना भोजन करो, भगवान के लिए 10 मिनट दे सकते हैं ठाकुर के लिए 10 मिनट दे सकते हैं, बच्चों को बोलो करने के लिए। ठीक है ना बच्चे मानेंगे कि नहीं? तो मतलब गलती हमारी है कि बच्चे अब इस एज में आ गए हैं कि अब हम क्या उनको दें संस्कार, अभी आप करने लगोगे तो आपको देख करके आप लोग इस तरह कैसे वो हो मतलब जैसे कंप्यूटर इंजीनियर करिए इन चरणों की कृपा से गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो आप कृपा में कैसे बताए ना इन चरणों की कृपा से हम लोग जॉब करने आए थे, हमें जॉब करने आए थे, हमें कुछ इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, जैसे आप लोग घर में पूरा माहौल वैसा होगा ना नहीं कुछ भी नहीं
बिल्कुल उससे दूर भागते हैं, मतलब पूजा हम करते हैं ना हस्बैंड का। एक व्यक्ति की जैसे आपने भोग लगे फल लगे, भगवान के प्रसाद में इतनी ताकत है कि आप सोच नहीं सकते। गुरुदेव वो तो एटम बम वाली बात, महाप्रसाद एटम बम है। बच्चे अगर माँ बाप कर रहे हैं तो बच्चे करेंगे, उनमें संस्कार जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ कार्मिक काम भी तो होते होंगे ना हमारे, हमारे बच्चों के। कई बार क्या होता है मदर फादर नहीं करते बट बच्चे बहुत करते हैं, क्योंकि बच्चों के कार्मिक काम संस्कार है, पिछले संस्कार आता है, संस्कार आता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने भी चालू कर, मैंने खुद देखा, देखो हमारे घर के अंदर मैं पहला, मैं बचपन से मैं अनियन घी नहीं खाता था, मांस मछली नहीं खाता था, मैं क्षत्रिय परिवार से, वो लोग सब खाते थे, लेकिन ऐसा कुछ था कि मैं नहीं खा पाता था, मेरे को बड़ी घिन आती थी। तो मैंने वो छोटी सी ऐसे 4-5 साल की ऐसे नहीं खाता, वो पिछले सब जन्म का कुछ, लेकिन नहीं खाते खाते क्या हुआ, धीरे 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 ये मम्मी पापा ने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ा तो इन्होंने भी छोड़ दिया, पता नहीं नीचे बड़े पापा ने छोड़ दिया, ऐसे करते करते सब छोड़ दिया। घर के अंदर आप एक आइडियोलॉजी रखनी पड़ेगी, एक व्यक्ति आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे घर में इनका कुछ होगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन हमें वो लगता है कि चाहे हमने बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दे रहे, लेकिन हम अपने माँ बाप के साथ जितना अच्छा करते हैं और उनको दिखाते भी हैं कि देखो बच्चे हमारे माँ बाप ने हमारे से किया, हम आपसे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे मेरे टाइम में उनको मतलब चला जाएगा, उनके आइडियोलॉजी देते हैं। अगर देखो आप भजन पूजन कर रहे हो, देख रहे हो सारा दिन भजमाला हो रही है, बड़े आनंद में रह रहे हो, बच्चे देखेंगे कि हम लोग तो इतने खुश नहीं, मम्मी इतनी खुश कैसे रहती है, कभी तो पूछेंगे मम्मी आप इतने खुश कैसे रहती नहीं बहुत है ना, कम से कम की गलत नहीं कर रहे करेंगे नहीं, उनको प्लीज डरना संस्कार दे जाते जाते। सेवा का भी ऐसा ही है, अगर आपने अपने सास ससुर की सेवा करी है और आपने अपने माता पिता की करी, तो डेफिनेटली आपके जो वर्ड्स हैं वो आप ही करेंगे ही करेंगे, एक्शन जाओगे जा ही नहीं सकते आप, एक्शन करना होगा, भक्ति माने भजन माने सेवा करके दिखाना होगा, वो ज्यादा सुन लेने से समझ लेने से नहीं होगा, कर लेने से होगा, बाबा रामदेव बोलता ना करने से होगा, करना पड़ेगा, शुरू करो हो जाएगा सब कुछ, और धीरे धीरे हो सके ना, ये बच्चों को बुलाना अपना घर में, ये बच्चे वालों को तुम्हारे बच्चों को, क्योंकि मेरा बेटा भी ये बहुत बड़ी इसी लग रहा है, मुझे लगता है तो मेरे को तो खुद बच्चा लग रहा है, यंग बच्चे ही हैं आजकल, सब जो बच्चे लोग हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उनको थोड़ा साइंटिफिक तरीके समझाया तो हम लोग अकेले नहीं, हमारे कितने गुरु भाई सब बड़े बड़े सब पढ़े लिखे, हम लोग हमारे गंडी महाराज है, हमारे गंडी महाराज है मठ में, जैसे हमारे गुरुदेव सन्यासी गंडी महाराज जी, वो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इंडिया के, नासा के साइंटिस्ट है, जब वहाँ रिसर्च कर रहे थे, जब उनको पता चला कि मैंने सब पढ़ाई बर्बाद है, क्योंकि पूरी रिसर्च तो भारत के ऊपर हो रही है, गाय के ऊपर, वेदों के ऊपर, संस्कृत के ऊपर, और यहाँ के शास्त्रों के ऊपर रिसर्च हो रही है, महाराज छोड़ करके आकर अब रिसर्च करते हैं बैंगलोर आश्रम में, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, और कितने पेटेंट है उनके नाम पर, उनके पेटेंट उनको पैसा मिलता है, जिन्होंने रिसर्च करी है, जो भी रिसर्च को यूज़ करेगा इनके नाम पर पैसा मिलता है, कॉपीराइट्स होते हैं ना, आप मिल सकते हो महाराज, जो बैंगलोर में रहते हैं वृंदावन में आएंगे कार्तिक में आना कभी, मिलना पढ़े लिखा व्यक्ति कुछ बोल रहा है इसका मतलब वो कुछ ऐसे। गुरु जी हमारे समाज में या जैसे हमारे आसपास कोई व्यक्ति का रुझान भक्ति की तरफ या जैसे इस तरह से वो शुरू करता है, सब समाज वाले परिवार वाले डर जाते हैं कि ये तो अब साधु सन्यासी हो गए या ये तो अब घर गृहस्थी, मतलब हो सकता है इनका मोह छूट जाएगा और भक्ति में ही चले जाएंगे, तो सारा परिवार सारी सोसाइटी उसको खींचती है कि वो उस तरफ ना जाए इधर ही आ जाए, मतलब ऐसे होता है ज्यादातर कि सब डर जाते हैं कि क्यों ये इतनी तरफ भक्ति में जाए। सब गए क्या? हां जी, में ठाकुर जी को भोग लगा दिया, इसमें डरने की बात नहीं, अगर सच बता रहे जब मेरे बच्चे भी इतनी भक्ति में जाएंगे मैं भी डर जाऊंगी, अरे क्या हो गया ये सारा परिवार मुंह छोड़ के क्या हो गया, और हम लोग करते हैं तो हमारे परिवार वाले हमें खींचते हैं कि इतनी माला कर करके क्यों पागल हो रहे हैं घर के काम लोग मठ में भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मठ में भी रहते हैं और अपने घर भी जाते हैं, मैं तो अभी अपने घर से आया तो ऐसा कुछ नहीं है,
कि भाई घर से देखो जब क्लास में ना बदमाश बच्चे होते हैं उनके बीच में अगर एक बच्चा बैठ कर पढ़ाई करेगा ना बोलेगा अरे क्या पढ़ रहा है छोड़ पढ़ाई चल रहा है अरे जो हर किसी को अपना ज्ञान बना छोटा सा मीरा जी के भजन बोल रहा हूँ। श्री वृंदावन वास करी साग पात्र नित खात तिनके भागन कून रख ब्रह्मा दिक ललचात हर गली कूचे में मीरा नाम प्रभु का गा रही अपने गिरधारी की चर्चा हर जगह फैला रही जब कहा राणा ने मीरा कृष्ण जपना छोड़ दे अपना और गिरधर का नाता एक दम तू तोड़ दे जब कहा मीरा ने राणा बात दूं तुझको बता गाओ लोक जाने के लिए बस एक सच्चा रास्ता उस मीरा के नाम से कौन रहा अनजान बीस का प्याला पी गई लेके कृष्ण का नाम वृंदावन में दरस दीवाने बाबरे दर दर ठोकर खाए मन में अभिलाषा बसे कहूं श्याम मिलेंगे आए वृंदावन में आए के मेरा भई भाव मंदिर मंदिर ढूंढती मेरा रसिया नवल किशोर बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राधा तोरा